तो गाइस हमें न्यू जॉब मिल चुकी है, ये है रेडियस एंड एंगल फिटिंग जॉब है, जो फ्लैट मिला हुआ है, आपको दिखाता हूँ। हमने तो हमने इसकी साइड और दो साइड एक सरफेस बना के मार्किंग के लिए लेपिंग कर लिया चौक से और इसको मार्किंग करने का सामान सर से लेकर आएंगे। अभी हाइट गेज तो आपको मार्किंग करके दिखाएंगे किस तरह मार्किंग होगी इसकी। तो लिया है, तो अभी हम सर से लिया है सामान जिसे कहते हैं हाइट गेज, ये भी ब्लॉक होता है और ये लुब्रिकेंट होता है जिससे इसकी फिनिशिंग बनी रहे। इस पर इसको इसलिए लगाया जाता है जिससे कि जो हमारी मार्किंग बिल्कुल सीधी हो, कहीं बीच में अटके नहीं। अभी हम मार्किंग करेंगे तो आपको दिखाते हैं। तो अभी हम सबसे पहले तो 10 mm की मार्किंग करेंगे, 10 mm का ही खुला हुआ है ये, इससे बिल्कुल एक्यूरेसी में मार्किंग होती है, देख सकते हो। तो अभी हम अगला लगाने जा रहे हैं 30 mm का, तो अभी लगाते हैं 8 mm का, फिर करते हैं मार्किंग। जो हमारे फिटर ट्रेड है इसमें सबसे मेन चीज़ ये होती है कि हमें जैसे mm होते हैं वो समझने होते हैं, और अगर मार्किंग थोड़ी सी गलत होती है हमारी तो पूरी जॉब हमारी खराब हो जाती है। तो जो फिटर ट्रेड है इसमें हमें ये बताता है कि हमें मार्किंग इसमें इनके लिए डिस्काउंट भी होते हैं, जो कि अगली मार्किंग करेंगे हम 75 की, जो कि हमें सेंटर चाहिए रेडियस निकालने के लिए 10 mm का। तो अभी करते हैं, बीच बीच में लगाएंगे क्योंकि हमें सेंटर निकालना होगा बस। अभी हमने 85 के को लगाई है, यहाँ पे 85 की मार्किंग करी हमने, जो अपना रेडियस बनेगा तो हमें पूरा वो भी देखना है, टोप देखना है उसका कितना बच रहा है। तो हमने जो को अब सेकंड साइड ले लिया है जिससे कि मार्किंग दूसरी साइड होगी, दिखाते हैं आपको। ये देखिए अब हम इस साइड लगा रहे हैं जिससे कि हमारा सेंटर बन जाएगा। तो अब हम लगाएंगे इसके अंदर 34 का, यानी कि 10 प्लस कर देंगे, 10 हमने कराया पहले, तो 34 की मार्किंग करने जा रहे हैं, 24 + 10 = 34। तो दूसरी जो बाकी अपनी अब इसमें करेंगे हम, एक साइड अपना ज्यादा और एक साइड कम है, इसलिए एक साइड 34 दे रखा है और एक साइड 24 दे रखा है। तो जो 34 है उसको 44 करेंगे, जो 24 है उसको 44 करेंगे। तो अब 54 हमने मार्किंग कर लिया, इसको 20 प्लस करके तो अब अगली जॉब लगाते हैं हम 54 और 34। सेकंड जॉब हमने कर लिया है 54 की, अब इसमें प्लस कर देंगे 34 और, तो 54 और 34 88 यानी 88, तो उसी करेंगे मार्किंग सेट करते हैं। अभी हम सेट करें इसको, यहाँ से हमें सेट करते हैं 88 है ना, 88 देख सकते हो, 80 585 86 87 88 लगाया हमने 88 का, और 10 की अपनी साइड बच चुकी है, 20 का पोर्शन निकल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, दो पे हो चुके हैं मार्किंग कंप्लीट। इधर से हमारी मार्किंग है देख सकते हो हम दोनों पे, और अब इसको पंचिंग करेंगे तो आपको दिखाएंगे पंचिंग करने के बाद सेंटर। तो मार्किंग करने के बाद हमने पंचिंग कर लिया, ये डॉट पंच होता है जिससे कि हम मार्किंग में पता करते हैं, जैसे कि बाजार लाइन मिट जाएगी तो इससे निशाने की रहेगी, और ये हैमर होता है जिसे हम बॉल पिन हैमर कहते हैं, और एक चीज़ होता है जिसमें हमने जैसे कि ये जो साइड निकाली है और ये इसके लिए, तो उसके लिए हम डिवाइडर का प्रयोग करते हैं, देख सकते हो ये होता है डिवाइडर, जो अपने स्कूल टाइम होता था दूसरे तरह का, तो यहाँ पे इस तरह होता है एडजस्टेबल है, ये स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर है। तो दोस्तों हमने 500 पे पंचिंग कर ली है, ये देख सकते हो इस तरह दिख रहा है। तो अभी हम कल करेंगे, अभी जो टाइम हो गया है छुट्टी का, तो कल हम करेंगे इसमें ड्रिल मशीन, तो दिखाएंगे किस तरह हम करते हैं इसके ऊपर।